हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ DRX सुनील कुमार यादव एंड मोस्ट वेलकम ऑन माय YouTube चैनल हेल्थ सॉल्यूशन फार्मेसी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो अबाउट स्पास्मो प्रोक्सीवोन कैप्सूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दी स्पास्मो प्रोक्सीवोन कैप्सूल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। स्पास्मो प्रोक्सीवोन कैप्सूल का इस्तेमाल हम हमारे पेट में हो रही असहनीय दर्द पीड़ा को शांत करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल का इस्तेमाल हम करते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में, इसके सॉल्ट्स के बारे में, इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, जिसको मिलाकर स्पास्मो प्रोक्सीवोन कैप्सूल तैयार किया गया है। तो सबसे पहले है डाइक्लोमाइन 10 mg, जिसे हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, जिसका कार्य होता है रिलैक्स द मसल्स एंड मसल्स इन द स्टमक एंड गट। क्या करता है, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स होती है उसे रिलैक्स करता है। स्टॉप सडन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, आपके जो मसल्स में स्टमक और इंटेस्टाइन के सडन ऐंठन, मतलब अचानक ऐंठन जो उठ रही हो उसके उसे शांत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, PCM 325 mg सेकेंड नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, पैरासिटामोल 325 mg एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होता है। एनाल्जेसिक मींस होता है पेन रिलीवर, एंटीपायरेटिक मींस होता है फीवर रिड्यूसर। तो इन दोनों का पीसीएम का कार्य क्या होता है, आपके शरीर में दर्द को कम करना और आपके शरीर में बुखार को कम करना। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉकिंग द केमिकल मैसेंजर विच कॉजेस पेन एंड फीवर, यह क्या करता है, जो आपके शरीर में दर्द और बुखार को का एहसास दिलाता है उस केमिकल मैसेंजर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ट्रामाडोल 50 mg के बारे में जान लेते हैं। ट्रामाडोल 50 mg ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जिसका कार्य होता है दर्द के सिग्नल को ब्रेन तक जाने से रोकना। आपके दर्द का जो सिग्नल होता है ब्रेन तक जाने से कौन रोकता है, ट्रामाडोल 50 mg ओपियोइड एनाल्जेसिक, जिससे क्या होता है दर्द का एहसास कम होता है। लेकिन निर्देश डायरेक्शन ऑफ यूजेस क्या है, सबसे पहले है एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जैसे कि डॉक्टर की पर्ची में लिखा होता है टेक ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, आप दिन में दो बार आफ्टर मील भोजन के बाद दो बार ले सकते हो। ठीक है, सर दिस मेडिकेशन एज अ होल, आपको इस मेडिसिन को खड़े ही निगल लेना है, इसे चबाकर न खाएं, अदरवाइज यह आपको कुछ इरिटेशन पैदा कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्राइविंग यूज हैवी मशीनरी आर नॉट एडवाइज, अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हो तो आप ड्राइविंग ना करें, या किसी हैवी मशीन को आप चला रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो तो उसे ना करें, बिकॉज इस मेडिसिन से आपको नींद आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए एज अ शॉर्ट टाइम यूज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, इस मेडिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बना है या यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, नौसिया, वोमिटिंग, मितली या उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन, पेचिस, दस्त या डायरिया भी कह सकते हो आप, ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, स्लीपनेस, नींद की कमी, वीकनेस, कमजोरी, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना। तो यह कॉमन साइड इफेक्ट्स है जब अगर आप स्पास्मो प्रोक्सीवोन कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो।